हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स का पैटर्न कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। कोड ब्लॉक्स यूज कर रहा हूं मैं, और यहां पर हमें एम्प्टी फाइल पे जाना है और यहां पे क्लिक करना है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी। तो हेडर फाइल सी लैंग्वेज में होती है #include_stdio.h, यही हमारी हेडर फाइल है और इससे ज्यादा कोई हेडर फाइल हम लिखेंगे नहीं। conio.h हम नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है। कोड ब्लॉक्स यूज कर रहा हूं मैं, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं, तो ये मेन फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है। और मेन फंक्शन बनाने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कैर टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं कैर ले रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा मैंने str, और यहाँ पे एरे को खाली छोड़ दिया और इसमें बता दिया कि हमें क्या पैटर्न प्रिंट कराना है। जैसे मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है इंडिया, तो ये इंडिया लिख दिया हमने और इसे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। और टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे int i, j ये कर दिया हमने, और इतना करने के बाद यहाँ पे लूप लगा लेंगे। तो ये फॉर लूप लगा लिया हमने, ओके। और i इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, i की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये i और j जो बनाया हमने, ये लूप चलाने के लिए बना लिया, ठीक है। और i इज लेस देन इक्वल टू, कहां तक करेंगे, इंडिया में कितने कैरेक्टर्स है, 5, तो ये 5 तक कर दिया हमने। और i प्लस प्लस, ठीक है, ये कर दिया। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है तो बना लिया। फिर एक लूप लगा लेंगे, दो ठो लूप, एक ठो i कॉलम के लिए और एक ठो j, एक रो एक कॉलम के लिए हम करेंगे। तो यहाँ j की वैल्यू को स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से, और j इज लेस देन इक्वल टू कहां तक चलेंगे, i तक, ठीक है। और फिर j प्लस प्लस ये कर दिया हमने। फिर लूप की बॉडी को कर्ली ब्रैकेट से बनाया, ओके। और यहां पे लिखा प्रिंट f, ठीक है। यहां पर अब हम प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट अपना। तो यहां पे क्या लिखना होगा हमें, क्योंकि हमने लिया है कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, तो यहां पे हम परसेंट डी के बजाय परसेंट सी लिखेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं परसेंट सी, ठीक है, और कॉमा देंगे यहां पे। कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे str जो लिया था हमने वो लेकर के, और यहां पे j को प्रिंट कर, j को भी इसमें दे देना है, j इस तरह से दे दिया हमने, और ब्रैकेट को क्लोज करके और टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जो कर्ली ब्रैकेट हमने लिया था, तो ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गई। और फिर यहाँ पे लाइन भी चेंज होती रहे हम ऐसा चाहते हैं, तो यहाँ पे बैक स्लैश n लगा देंगे और क्लोज करके, और फिर यहां से टर्मिनेट करके दोनों ब्रैकेट्स जो है यहाँ पे ऐसे इस तरह से क्लोज भी कर देंगे, ये इस तरीके से। और अब इस फाइल को सेव करने की बारी, तो यहां से इसको सेव करता हूं और यहां पे दे देता हूं कोई नाम, और यहां पे .c लगा करके इसे सेव कर दिया। अब चलिए ये देखते हैं ये कंपाइल होता है या नहीं हमारा प्रोग्राम। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है, और कंपाइल करने के बाद हमें क्या करना है, यहां से रन करवा देना है इस प्रोग्राम को। तो ये देख सकते हैं इंडिया इस तरह से पैटर्न ये प्रिंट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कोई और कैरेक्टर प्रिंट करना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूं नेटवर्क, तो ये लिखा मैंने नेटवर्क, ठीक है, और यहां से फाइल पे जाके और सेव पे क्लिक किया, फिर फाइल पे गए, फिर कंपाइल किया इसको, कंपाइल करने के बाद फाइल पे गए, फिर रन कर दिया। तो ये देखिए नेटवर्क जो है प्रिंट होकर। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 6 कर देता हूं और अब इसको सेव करता हूं, तब देखते हैं क्या होता है। और फिर इसको कंपाइल करवाया हमने, और कंपाइल करवाने के बाद फिर इसको रन करवाते हैं, तो यहां से इसको रन करवा दिया, तो अब के भी प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि 5 ही दिया था, तो इस वजह से ये के प्रिंट होकर नहीं आ रहा था। इसी तरह से कोई बड़ा नाम हो तो वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं बहुत इजीली, आपको सिर्फ यहां से बढ़ाना है, ठीक है, ये चीज आपको बढ़ा देनी है। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे इस तरह का पैटर्न आप प्रिंट करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।